आपको घातांग कर्णी पढ़ा दिया था, घातांग कर्णी को हमने ट्रिक से बता दिया था। हमने ये प्रयास इसलिए किया क्योंकि हर किताबों में या जहाँ तक पढ़ाया जाता है, पहले पढ़ाते हैं वर्गमूल घनमूल, बाद में पढ़ाते हैं कर्णी घातांग कर्णी, हम उल्टा पढ़ा रहे हैं। इसलिए पढ़ा रहे हैं, अगर आप कर्णी और घातांग के पहले अगर वर्गमूल घनमूल पढ़ लेते तो भी कर्णी आसान हो जाती, और लेकिन कर्णी और घातांग के रूल और ट्रिक को पढ़ने के बाद यदि आप वर्गमूल घनमूल पढ़ेंगे तो और आसान हो जाएगा। तो हम प्रयास करते हैं, सबसे पहले किसी भी संख्या का वर्ग निकाला कैसे जाएगा उसको पढ़ते हैं, और शायद आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ट्रिकी है पूरी तरह से। जैसे अगर हमें किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है और उसका इकाई का अंक 5 है तो उसका वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अब यदि 65 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले करेंगे इकाई का अंक 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो फिर जो दहाई का संख्या बचेगा उसके अगली संख्या में गुणा करेंगे, 6 × 7 = 42। फिर जैसे 95, इसमें क्या हो जाएगा, 5×5 = 9 के बाद 10, 9×10 = 45, 5×5 = 25, 4×5 = 20, फिर दे दिया 85 का स्क्वायर, 5×5 = 8 के बाद 8×9, फिर आते हैं 115 का स्क्वायर, 5×5 = 11×12 = 132, 13,225। तो जिस संख्या के इकाई का अंक 5 हो उसका हमें वर्ग निकालना बहुत आसान है, आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन एक तरीका और है, अगर जैसे हमें 65 का स्क्वायर निकालना है या किसी अन्य संख्या का, इसके अलावा यदि किसी संख्या का स्क्वायर ज्ञात करना है तब कैसे ज्ञात करें। जैसे दे दिया कि 68 का स्क्वायर ज्ञात करिए आप, तो 68 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान तरीका है। पहले लिख देंगे, अच्छा 2a समझते हैं, 2a, एक चीज खाली याद रखना है, 2a b, 2ab का मतलब दो, अगर इसको a मान इसको b मान लो, 2×6 × समझे 2ab ना, तो हमें 2ab याद रखना है बस। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको आसानी से, हम पहले लिख देते 8×6 लिख दीजिए, एक स्थान छोड़ दीजिए, अब 2ab लिख दीजिए, 2ab क्या हो जाएगा, 6×48 = 46 जोड़ दीजिए, 4×6 = 12 9×6 = 15 16 × 3 = 44, ठीक। अब जैसे 65 का याद करना है, 65 का तो 65 है तो 5×5 = 25, और 6×6 = 1 छोड़ दिया, 2ab माने 6×5 = 30 × 60 जोड़ दिया, 5×2 = 12 4 = 2425, ठीक। 74 का निकालना है, जिसे भी निकालना है, ये 74 का निकालना है यहाँ स्क्वायर, तो 4×4 = 16 7×7 = 49, फिर 2ab 7×4 = 28 × 56, एक स्थान छोड़ देना है, ये गुणा करते हैं दो अंक का, एक स्थान छोड़ देते हैं ना, बस वही 6×6 = 7 9×5 = 14 4×5 1476। देख लीजिएगा, थोड़ा गुणा भाग में कहीं गलती हो गया तो सुधार लीजिए, क्योंकि हम बिना किताब के पढ़ा रहे हैं तो समस्या हो जाती है, थोड़ा तेजी से पढ़ाते हैं कैलकुलेशन में समस्या हो सकती है। कुछ नहीं करना है, बी स्क्वायर फिर ए का स्क्वायर, एक अंक छोड़कर 2ab लिखकर जोड़ दीजिए, जो है प्राप्त उत्तर, बस इसको समझ दीजिए। आप स्क्रीन शॉट पूरा रख लीजिएगा इसका, ठीक है, पूरा स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इसको तब आराम से सॉल्व कीजिए। तो हम लोगों ने बस इतना चीज़ें सीखा कि यदि किसी संख्या का वर्ग याद करना है तो पहले उसके इकाई दहाई का वर्ग लिख दीजिए, फिर एक स्थान छोड़ के 2ab, जैसे मैं 65 का निकालना था तो पहले 65 5 का वर्ग 6 25 और 36, एक स्थान छोड़ दिया 2ab, 6×5 = 30 × 60 जोड़ दिया, कितना है 4225। इस प्रकार किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, एकदम आसानी तरीके से। एक तो हम और बता देना, उसके बाद ये वर्ग ज्ञात करने के साथ साथ वर्गमूल निकालने का भी ट्रिक होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप आसानी से वर्गमूल किसी भी संख्या का निकाल भी सकते हैं, जैसे दे दिया है आपको 46 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो फिर 36 16 2ab माने 6×24 = 48, 6×8 = 11, 6×4 = 10 = 11, 21 सही आएगा ना, देख लीजिएगा कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक। 84 64 16 8×32 = 65 0, ठीक। आसानी से आप इसी क्रम में लगाते जाइए, और वर्गमूल वर्ग निकालने का एक ट्रिक है, वर्गमूल निकालने के भी ट्रिक होते हैं।
समझ लीजिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कुछ सेकंड लगेंगे लगाने में, कुछ सेकंड। एक तरीका मैंने और आपको बताया है, शायद अगर आपको याद होगा तो भी तरीका है इसका। ठीक, समझ लीजिए अच्छे से, हो गया ना, क्लियर हो गया। चलिए तो समझ गए, इसके बाद एक तरीका और छोटा सा उसको बता दे रहे हैं। इसी का वर्गमूल ज्ञात करना है तो एक फार्मूला होता है जिसके पहले हमने बताया था, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगर इसे 46 को इस फॉर्म में करना होगा, सबसे पहले 6 का स्क्वायर करेंगे 36, अतः लगेगा कितना 3, तो 2ab माने 6 6 24 दोनों 48, 48 और 3, 48 तीन क्या हो गया 51, तो 4 6 16 16 5। ये तरीका से भी आप लगा सकते हैं, ये प्रकार है वर निकालने का पूरा तरीका। ठीक, समझ में आ गया आप लोग को, ये नहीं कोई मतलब नहीं, समझ में आ गया। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है, इससे कन्फ्यूजन ना हो जाएगा, इसीलिए एक सवाल लगाए इस पर। ये वाला तो यही लगे, ये वाला। चलिए कोई संख्या और बोलिए, 39। चलिए 39 कह दिया, तो पहले 9 का 9 81 की 1 लग गया 8, फिर 9 3 27 दूना 54, 54 और 8 62, 62 के 2 हाथ लगे 6, फिर 3 3 का 9 और 9 और 6 1500। देख लीजिए सही है, चेक कर लीजिए। पहले b का स्क्वायर आखिरी संख्या का 2ab माइनस उसी संख्या गुणा, फिर 2 से गुणा, 9 3 9 27, 27 दूना 54, फिर 3 3 का 9 हाथ लगे जोड़ते चलिए। ठीक, सो देख लीजिए, समझ लीजिए और सॉल्व करने का पूरा प्रयास करिए। तो यह था ट्रिकी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।